हैशटैग ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि H5P लूमी एडिटर में फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बनाया जा सकता है, जो कि ई कंटेंट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो आज के वीडियो में हम H5 एडिटर लूमी का प्रयोग करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स की एक एक्टिविटी बनाएंगे, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। प्रत्येक पार्ट के बाद आप देखते हैं कि पाठ्य वस्तु से संबंधित एक फिल इन द ब्लैंक्स जरूर आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में होता है, जिससे बच्चे अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाया जाएगा H5P में, तो आज हम उसको यहाँ पे सीखेंगे। तो मैंने सबसे पहले लूमी का इंटरफेस यहाँ पे खोल दिया है, जो H5P एडिटर है। आप H5P में भी डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, और लूमी में इसको ऑफलाइन में के रूप में आप इसको आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। H5 जो यहाँ पर वो दे रखा है, ई कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। ये बहुत सारे टूल्स हैं, इन सब टूल्स का हम प्रयोग करके कोई भी ई कंटेंट बना सकते हैं। तो आज हम इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके सामने दिख रहा है, इसका प्रयोग करके हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इसका प्रयोग करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि किस प्रकार इसमें एक्टिविटी बनाई जा सकती है। तो पहले हम उसका एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पहले से बना हुआ फाइल है, उसको यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। और जैसे प्यासा कौवे की कहानी, ये हमने बनाई थी, एक स्टोरी है, और स्टोरी के अंदर ही हमने फिल इन द ब्लैंक्स रखे हैं। ये है प्यासा कौवे की कहानी। तो इसको हम व्यू करके देख लेते हैं। जैसे मैं व्यू करूँगा तो आपके सामने दिख रहा है कि दिए हुए प्यासे कौवे की कहानी में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हम इसमें बनाएंगे, और यहाँ पर कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा, जो इससे पूर्व की एक्टिविटी में था। तो यहाँ पर हम कोई भी ना केवल कहानी बल्कि कोई भी आपका पैराग्राफ हो, उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उस पैराग्राफ से बच्चे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स या कोई भी आंसर्स हों या वर्ब्स हों या नाउंस फाइंड आउट करो। तो बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटी यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा उदाहरण लेके कहानी ली है। तो जैसे बच्चे इसको पढ़ेंगे, हिंदी में बनाई हुई है ये कहानी, और इसको यूनिकोड में टाइप किया गया है। तो यहाँ पर बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे, इसको बच्चे अपने मोबाइल से टाइप कर सकते हैं, और या अपने कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप से भी टाइप करके यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कीवर्ड्स भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, मिसिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक कौवा बड़ा ही कैसा था, जैसे प्यासा था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्यासा था, और जहाँ पर एक रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, जैसे घड़ा रखा हुआ था। तो हम यहाँ से लिख के, मैं तो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको यहाँ पे रखा है, पानी बहुत ही कैसा था, कम था। उसके बाद काफ़ी कम था तक नहीं पहुँचा, काफ़ी पड़े थे, क्या पड़े थे, कंकड़ और पत्थर पड़े थे, और भरता गया पानी ऊपर आता गया। तो यहाँ पे हमने देखा, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि हमने पूरे ये फिल इन द ब्लैंक्स भर लिए हैं। यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा सही है कि गलत। देखो पूरे के पूरे हमारे सही निकले, तो 5 में से 5 हमें नंबर मिले, और यहाँ पर आपके सामने एक नोटिस यहाँ पे आया, उत्कृष्ट प्रदर्शन। तो ये हम बहुत अच्छे तरीके से उसमें बना सकते हैं, और इस एक्टिविटी से जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका सेल्फ असेसमेंट यहाँ से बेहतर हो सकता है, वो अपनी कमियों को जान सकते हैं। तो अब हम कैसे इस एक्टिविटी को बनाएं, ई कंटेंट को बनाएं, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है कि सबसे पहले हम न्यू यहाँ पर जाएंगे, न्यू फाइल हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर खुल जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइटल दिया हुआ है, टास्क डिस्क्रिप्शन जो बच्चों को करना है, और यहाँ पर जो हमें
काम करना है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि यही जो हिंदी की स्टोरी थी मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, और द थ्रेस्टिक क्राउ स्टोरी, तो इसी को हम वहाँ पे ले जाएंगे और इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेसन का नाम है, जो टाइटल है हमारा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर तो यहाँ पे पहले से आ रहा है यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल हमारा है द थ्रेस्टी क्राउ स्टोरी। अब टास्क डिस्क्रिप्शन में जो बच्चों को करना है, जो एक्टिविटी बच्चों को करनी है, वो क्या, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स है, जो मिसिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं हम इसको, फिल इन द ब्लैंक्स द थ्रेस्टी क्राउ स्टोरी विद मिसिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मिसिंग वर्ड्स लिखा हुआ है पहले से ही, तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो पूरा ही हमने लिख दिया है कि स्टोरी के अंदर जो भी मिसिंग वर्ड्स हैं उनको आप यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले से ये हल्का सा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शो हो रहा है, जो स्टार इस पर हमें लगाने होंगे, जो भी हमारे हाईलाइटेड, जो भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स में टेक्स्ट यहाँ पे बच्चे भरेंगे उसको हम स्टार के द्वारा हाईलाइटेड करेंगे। अब ये स्टोरी पूरी यहाँ पे लिखी गई है, तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, यहाँ से क्या पूरा कीवर्ड्स भी हम यहाँ पे पूरा कर लेते हैं इसको कॉपी, अगर कीवर्ड्स हमें बच्चों को देना है वो भी कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे के पूरे यहाँ पर आ गया है, स्टोरी आ गई है, यहाँ मिसिंग वर्ड्स भी आ गए। अब हम क्या करेंगे, जैसे डे था इसके आगे हम स्टार लगाएंगे, हमें इसे फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। जिसको भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है उसके आगे आप स्टार लगा देंगे, जैसे क्रो है यहाँ पे हमने लगा दिया, वाटर, टीचर, उसके बाद लो, पेबल, अप, ये हमने सब लगा दिए। और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, और हमने एक मिसिंग वर्ड्स यहाँ भी दे दिया ताकि बच्चे कोई भी वर्ड्स की स्पेलिंग गलत ना लिखें, और अगर आप ना देना चाहो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देने की, क्योंकि इससे देने से काम आसान हो जाता, अगर इसको ना दें तो बच्चों के लिए एक जिज्ञासा बनी रहती कि क्यों सही नहीं हुआ। तो करेंगे अब हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को चाहे तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से, तो हम ऊपर की बजाय हम नीचे वाले वर्ड्स को बोल्ड कर लेते हैं, ये हमने बोल्ड कर लिया है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं व्यू में कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे ये आ गया है यहाँ पे, ये हमारे वर्ड्स आ गए हैं। तो इन वर्ड्स को अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये काम करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, आप ये देख लीजिए कि आपके जो 7 फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो यहाँ पे भी उतने ही हों। फिर हम इसको और एडिट करते हैं आगे, यहाँ तक हमने कर दिया था इसको। अब हम यहाँ पर स्कोरिंग कर इसमें लिख सकते हैं कि 0 to 33, और यहाँ पे 60, और यहाँ पर उसके बाद 80, और उसके बाद यहाँ पर 80 to 100 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये इसकी ज़रूरत थी तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 4 हमारे पास हैं, तो पहले में लिख लेते हैं हम पुअर परफॉर्मेंस, उसके बाद यहाँ पर है हमारा सेटिस्फैक्ट्री, और इसके यहाँ पे लिख देंगे हम गुड, और यहाँ पे लिख देंगे एक्सीलेंट। तो हमने 4 यहाँ पे डिफाइन कर दिया है स्कोर रेंज, कि अगर बच्चे 0 से 33 मार्क्स लाते हैं तो पुअर परफॉर्मेंस होगा, 34 से 60% मार्क्स लाते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, और 61 से 80 लाते हैं तो गुड, और 81 से 100 लाते हैं तो एक्सीलेंट होगा। ये हमने यहाँ कर दिया। और हम आगे बिहेवियर सेटिंग में देख लेते हैं, रीट्रे और सो बटन हमें चाहिए, केस सेंसिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका टिक रहेगा तो ये, अगर आपने यहाँ पे स्मॉल में दिखाया है तो स्मॉल में ही आएगा, जैसे आपने स्मॉल दिखाया तो स्मॉल में आएगा, अगर बच्चे इसमें कैपिटल में भरेंगे तो उसको एरर दिखाएगा, इसलिए हमें इसे क्या करना होगा, इसे केस सेंसिटिव को हटाना होगा। जब ये हट जाएगा तो इसके बाद हम इसको एक बार यहाँ से व्यू से जाके चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हम गए,
तो अब हम इसे भर के देखते हैं, कुछ भी भर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने भरा, यहाँ पे क्रॉ, यहाँ पे हमने क्रॉ भरा, समर समर डे आएगा यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ डे लिख लेते हैं हम, डी ए वाई डे, थ्रस्टी क्रॉ, और यहाँ पर हम लेते हैं वाटर। मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, और मैं कुछ गलत भी इस बार लिखूँगा ताकि आप देखेंगे। यहाँ पे लो कर देता हूँ, जैसे मैं लो की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, जैसे मैं जानबूझ के यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा जैसे अप। अब हम इसे चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने ये स्पेलिंग गलत बताई, क्योंकि मैंने गलत टाइप करी थी, ये मेरे सही थे, तो ग्रीन में आ गए हैं, जो गलत है वो रेड आ जाएगा। और यहाँ पे सो सॉल्यूशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बता रहा है यहाँ पे पेबल्स आना चाहिए था और यहाँ पे लो आना चाहिए था, जो मैंने गलत लिखा। तो देखा आपने कितनी शानदार एक्टिविटी हम इसको आसानी से बना सकते हैं H5P में लूमी एडिटर के माध्यम से, और बाद में हम इसको H5P में भी अपलोड कर सकते हैं, जो आपको मैं बताऊंगा आप अगली नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम इसको अपने H5P अकाउंट में भी कैसे इसको अपलोड करना फाइल को। अब ये बनने के बाद हम इस फाइल को यहाँ से सेव कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेव ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कर देंगे। तो आपने देखा इस फाइल को हमने कितने आसानी से बनाया और सेव कर लिया है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं कि मेरे को कोई गड़बड़ लग रही, कहीं पे कोई दिक्कत है, तो दोबारा आप यहाँ पे जाएंगे और इसको आसानी से दोबारा यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद फिर आप दोबारा व्यू में जाके उसको चेक कर सकते हैं। आपने देखा जैसे कि हमने ये स्टोरी लिखी, और हमने सारा जब इसके सेटिंग करने के बाद हम व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ये एक कंटेंट यहाँ पे तैयार हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं एक इमेज भी लगाऊं तो ये और सुंदर दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एडिट में जाएंगे। एडिट में जाके आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क डिस्क्रिप्शन और अनटाइटल इमेज। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन खुल रहा है, यहाँ पे हम इमेज, और यहाँ पे इमेज और वीडियो कुछ भी हम लगा सकते हैं इस पर। तो हम इमेज रखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। जब आप इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इमेज है ये, तो हम ये इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। देखो ये इमेज आ गई, और अब हम क्या करेंगे, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर हम लिखें तो इसको लिख भी सकते हैं द थ्रस्टी क्रॉ, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको व्यू करके देखते हैं किस तरह दिखाई देगा। तो ये देखिए कितना शानदार दिख रहा है यहाँ पे, ये थ्रस्टी क्रॉ की इमेज भी आ गई, एक स्टोरी भी आ गई है, और यहाँ पर हम उसको आसानी से चेक भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर फाइल में जाकर दोबारा उसको सेव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आने वाले वीडियोस में हम H5P के जो और भी टूल्स हैं उसकी सहायता से कैसे नए नए एक्टिविटी बनाई जा सकती, ई कंटेंट बनाया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देखें कि वहाँ से आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।